नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है कोचिंग सेंटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप अपना नया कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं या आपका अपना कोचिंग सेंटर पहले से चल रहा है। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग कोचिंग सेंटर। यदि आप अपना नया कोचिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं तो जिस सीटिंग और सेटिंग से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, यदि आप उस तरीके से अपने कोचिंग सेंटर को तैयार करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आप अपने इस कोचिंग सेंटर से बहुत जल्द साल डेढ़ साल के अंदर अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आपका अपना कोचिंग सेंटर चल रहा है और आपको लगता है कि आपके यहाँ जो सीटिंग और सेटिंग है उसमें कहीं कमी है, तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए, और फिर आप अपने यहाँ बदलाव करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अच्छा चलने लगेगा। इस तरीके से आप अपना सेटअप करते हैं तो आपका इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा चलेगा, आपका कोचिंग सेंटर बहुत ही अच्छा चलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो नॉर्थ फेसिंग है यानी उत्तरमुखी है। उसमें सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, जो आपका बाहर का एरिया है यानी जो आपकी सड़क है, गली है, रोड है, उसको हमेशा ही नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा रखना है। आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आपका जो कोचिंग सेंटर है वो छोटे बच्चों का है या बड़े बच्चों का है या कॉलेज के बच्चों का है, उनके लिए आपको पार्किंग की व्यवस्था भी करनी होगी। पार्किंग की व्यवस्था आपके यहाँ बिल्कुल सही तरीके से मैनेज होनी चाहिए। आपके यहाँ जो पायदान होना चाहिए वो ब्लू कलर का होना चाहिए। आपके यहाँ शटर पर जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए या ब्लैक कलर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर जो बोर्ड लगाना है उसका जो कलर होना चाहिए ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर ही होना चाहिए, यानी इन चारों कलर का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपना बोर्ड बनवाएं और उसे आप अपने फ्रंट के भाग में लगाएं। ध्यान रखना है जब आप बोर्ड लगाएं तो बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा आपके शटर से नीचे नहीं आना चाहिए, यानी जहाँ तक आपका शटर खुलता है उससे नीचे वाले भाग में नहीं आना चाहिए, और आपके फ्रंट के भाग में तारों का जंजाल भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप शटर खोलते हैं शटर के आगे तारे झूलती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, आप उन तारों को अच्छे तरीके से ऊपर बंधवाएं। आजकल इलेक्ट्रिक मीटर वैसे तो खंभों पर, पोल पर ही लगने लग गए हैं। यदि आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर आपकी दीवार पर लगना है तो वो इलेक्ट्रिक मीटर आपका नॉर्थ वेस्ट के भाग में बाहर के भाग में लग जाएगा। मीटर से जो लाइन अंदर आएगी, जो MC बॉक्स बनेगा, वो आपका नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की दीवार के साथ बन जाएगा। अब बात करते हैं मेन गेट की। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट है और शटर ऊपर करने के बाद आपके फ्रंट के भाग में ग्लास लगाया जाता है और उसमें डोर भी लगाया जाता है। जो आपने डोर लगाना है वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ सेंटर के बीच में लगाना है। यहाँ पर आपकी मेन एंट्रेंस बन जाती है। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको अपनी एक रिसेप्शन चाहिए। रिसेप्शन आपने कहाँ बनानी है? रिसेप्शन आपने ईस्ट की दीवार के साथ टच करते हुए ईस्ट से वेस्ट की ओर, यहाँ पर आपकी रिसेप्शन टेबल आएगी। रिसेप्शन पर बैठने के लिए जो चेयर लगानी है वो आपकी एक तो यहाँ आ जाएगी और दूसरी चेयर आपकी यहाँ आ जाती है। वेटिंग एरिया आपका ईस्ट की दीवार के साथ नॉर्थ ईस्ट की ओर आपका वेटिंग एरिया आ जाता है। आपके यहाँ जो भी पेरेंट्स मिलने आते हैं उनकी वेटिंग के लिए ईस्ट की दीवार के साथ आपका सोफा भी आ जाता है। आपने चेयर रखनी है तो चेयर भी रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोने में आपने एक फाउंटेन लगाना है जिसमें पानी हमेशा चलता रहे। फाउंटेन जो लगाना है वो बिल्कुल हल्के वजन का होना चाहिए। अब बात करते हैं मंदिर की। आपने अपने यहाँ पर मंदिर जो बनाना है, मंदिर रिसेप्शन की टेबल के साथ में ईस्ट की दीवार के साथ मंदिर बनाना है। अब बात करते हैं
क्लासरूम की, क्लासरूम के अंदर सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ईस्ट यानी पूर्व दिशा में जो रूम बना हुआ है उसके अंदर सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो डोर है वो रूम के नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की दीवार के साथ आएगा और डोर नॉर्थ की दीवार के साथ ओपन हो जाएगा। इसमें जो आपने बोर्ड लगाना है वो बोर्ड आपका नॉर्थ की दीवार के साथ बोर्ड आएगा। बच्चों की जो सीटिंग है वो इस तरीके से हो जाएगी और बच्चों का जो फेस है वो बोर्ड की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। सबसे अच्छी जो दिशाएं होती है बच्चों के पढ़ने के लिए वो नॉर्थ की ओर फेस करके पढ़े या ईस्ट की ओर फेस करके पढ़े। जो ब्लैक बोर्ड लगाना चाहिए इस रूम के अंदर नॉर्थ वॉल पर बोर्ड लगाना है और बच्चों का जो फेस है वो नॉर्थ की ओर करना है। अब बात करते हैं हम दूसरे रूम की। दूसरे रूम का जो डोर लगाना है वो नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की दीवार पर आएगा और जब डोर ओपन करेंगे तो डोर नॉर्थ की वॉल पर आकर ओपन हो जाएगा। इस रूम के अंदर जो बोर्ड लगाना है वो बोर्ड भी आपने नॉर्थ की दीवार पर ही लगाना है। ऐसे ही बच्चों की जो सीटिंग है वो सीटिंग भी बच्चों का जो फेस है वो भी नॉर्थ की ओर हो जाएगा। इस प्रकार से इस रूम के अंदर भी सीटिंग सही करते हैं तो आपके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनकी पढ़ाई हमेशा ही अच्छी होगी और जो आपके यहाँ टीचर्स होंगे जो स्टाफ होगा वो भी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे रूम की। ये रूम साउथ ईस्ट में आता है। इस रूम का जो डोर है वो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वॉल पर आता है और रूम का जो डोर खुलेगा वो वेस्ट की दीवार पर ओपन हो जाएगा। इस रूम के अंदर जो आपने बोर्ड लगाना है वो बोर्ड आपने ईस्ट की दीवार पर लगाना है। बच्चों की जो सीटिंग है आपके रूम के हिसाब से जितने भी बच्चों की सीटिंग बनती है सभी बच्चों का जो फेस है वो ईस्ट की ओर होना चाहिए। इस रूम में बच्चों का जो फेस है वो ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर हो जाएगा। आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपके यहाँ जितने भी क्लासरूम हैं उन सभी के डोर्स पर दरवाजों पर आपने डोर क्लोजर जरूर लगाना है। अब बात करते हैं फोर्थ रूम की। फोर्थ रूम एमडी रूम होना चाहिए क्योंकि जो मालिक है मालिक को हमेशा साउथ वेस्ट जोन में ही बैठना चाहिए और जो ये रूम बनता है ये साउथ वेस्ट जोन का ही रूम बनता है। इसमें आपने सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी है। इस रूम का जो डोर है वो रूम के नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा और रूम का जो डोर है वो ईस्ट की वॉल पर ओपन होगा। इसमें जो आपने टेबल लगानी है वो टेबल आपकी साउथ की दीवार के साथ बनेगी और ऑनर की जो सीटिंग है वो साउथ वेस्ट में बैठेंगे ईस्ट की ओर फेस होगा। आपके यहाँ मिलने वाले जो पेरेंट्स आएंगे जो बच्चे आएंगे वो आपके सामने यहाँ बैठ जाएंगे। आपका रूम बड़ा है तो आप एक सोफा ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको अपने रूम में एक अलमारी रखनी है तो वो अलमारी आपके साउथ वेस्ट कोने में आएगी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपने रूम में साउथ वेस्ट कोने में एक अलमारी ज़रूर रखनी चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा कि एक सीटिंग अकाउंट्स के लिए भी ज़रूर चाहिए। अकाउंट्स के लिए जो सीटिंग चाहिए वो सीटिंग आप रिसेप्शन पर ये सीटिंग बनाए और इनकी जो टेबल है यहाँ आएगी।
अकाउंटेंट का जो फेस है वो वर्किंग करते हुए ईस्ट की ओर हो जाएगा। अब बात करते हैं पेंट्री और टॉयलेट के बारे में। वेस्ट जोन में आपकी पेंट्री है और पेंट्री का जो डोर है वो पेंट्री के नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट वॉल पर आता है और नॉर्थ वॉल पर डोर ओपन हो जाता है। आपने अपने यहाँ पर जो बर्नर रखना है, जो सिंक लगाना है, वो आपका वेस्ट वॉल पर आ जाएगा। बर्नर आपका यहाँ आ जाएगा और एक छोटा सा सिंक आपका यहाँ आ जाएगा। इसी में आपने जो फ्रिज रखना है, फ्रिज आपका साउथ वॉल के साथ आ जाएगा। अब बात करते हैं टॉयलेट की। यहाँ पर दो टॉयलेट हैं, एक टॉयलेट जिसका दरवाज़ा ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा और नॉर्थ वॉल पर ओपन होगा। इसके अंदर जो वॉश बेसिन लगाना है, वॉश बेसिन नॉर्थ वॉल पर आएगा, शीट साउथ वॉल पर साउथ ईस्ट की ओर, और एक यूरिनल लगाना है, यूरिनल आपका साउथ वॉल पर साउथ वेस्ट की ओर आ जाएगा। ऐसे ही जो आपकी दूसरी टॉयलेट है, दूसरी टॉयलेट का दरवाजा टॉयलेट के साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार पर आएगा और साउथ की दीवार पर ओपन होगा। इसमें आपने जो शीट लगानी है, शीट आपकी नॉर्थ वॉल पर आएगी और इसी के साथ में वॉश बेसिन आ जाएगा। यूरिनल जो लगाना है, यूरिनल आपका साउथ वॉल पर आ जाएगा। ध्यान रखना है जो टॉयलेट है और बाहर का जो फर्श है वो एक लेवल ही होना चाहिए। अब बात करते हैं पीने का पानी। पीने का पानी आप जो आपके एंट्रेंस है, जो आपका डोर है, डोर से लेके जहाँ तक आपकी टॉयलेट बनी है, नॉर्थ वॉल पर जहाँ आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप पीने का पानी रखें। अब बात करते हैं आपके यहाँ यदि स्पेस मिलता है तो आप अपने यहाँ पर वेटिंग एरिया यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी वेटिंग एरिया बना सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पास स्पेस है तो आप इस जोन में वेटिंग एरिया ज़रूर बनाएं। आपके यहाँ आपके हर रूम के अंदर, हर क्लासरूम के अंदर लाइट पूरी होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए, रोशनी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ पूरी बिल्डिंग के अंदर जो कलर होना चाहिए ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर ही होना चाहिए। आपके यहाँ जो फर्नीचर होना चाहिए वो लाइट ब्राउन कलर का ही फर्नीचर होना चाहिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ज़रूर मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।